पाकिस्तान उच्चायोग ने राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के 7 सांसदों को भेजी आम की पेटियां। पाकिस्तान ने एक बार फिर विपक्ष में इंडी गठबंधन के नेताओं के प्रति अपना प्रेम जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर चल रही एक खबर के अनुसार पाकिस्तान उच्चायोग ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के 7 सांसदों को आम की पेटियां भेजी है। पाकिस्तान हाई कमीशन की ओर से जिन सांसदों को आम की पेटियां भेजी गई है उनमें कांग्रेस के 3 सांसद राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, शशि थरूर और समाजवादी पार्टी के 4 सांसद मोहिबुल्ला नदवी, रामपुर सांसद जिया उर रहमान, संबल सांसद अफजल अंसारी, गाजीपुर सांसद तथा इकरा हसन कैराना सांसद शामिल है। आपको बता दें कि इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और इंडी गठबंधन के प्रति पाकिस्तान का प्रेम उमड़ा था। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उनकी तुलना जवाहरलाल नेहरू से की थी। इसके साथ ही चौधरी फवाद ने कहा था कि भारत में नरेंद्र मोदी का हारना जरूरी है, किसी भी कीमत पर बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। पाक के पूर्व मंत्री ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि चाहे केजरीवाल जीते या ममता बनर्जी, मगर मोदी की हार जरूरी है। वहीं सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर तरह तरह के कमेंट करते हुए कांग्रेस, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। लुटियंस वॉच नाम के एक एक्स हैंडल से इस खबर पर कमेंट किया गया, पाकिस्तान ने अपने दोस्तों को तोहफा भेजा है, राहुल गांधी ने चुपचाप तोहफा कबूल कर लिया, कबूल कबूल कबूल। गोविंदा तिवारी ने एक्स पर लिखा, इसी बहाने भारत में पाकिस्तान के खास मित्रों का तो खुलासा हुआ। सावरण स्वप्निल नाम के यूजर ने लिखा, पाकिस्तान का जो यार है वही तो देश का गद्दार है। डॉक्टर बॉन्ड नाम के यूजर ने कटाक्ष करते हुए लिखा, इसमें मणिशंकर अय्यर का नाम नहीं है,